हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एकेडमी प्लस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से MATLAB के अंदर आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको चाहिए दो वेरिएबल्स, x एक्सिस के लिए और एक y एक्सिस के लिए, क्योंकि x एक्सिस पर आपको x की वैल्यूज चाहिए और y एक्सिस पर y की वैल्यूज चाहिए। सो दोस्तों, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो भी कमांड्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट कि आपको फ्यूचर में सारी की सारी जो वीडियोज हैं मेरी, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपके पास MATLAB में दो तरीके हैं, या तो आप कमांड विंडो को यूज कर सकते हैं एंड द सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन राइट योर कोड इन द एडिटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कमांड विंडो में आप कैसे कोई भी जो कोड है बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेट्स से 3:8 एंड देन सेमी कॉलोन। सो इस कॉलोन का मतलब है 3 to 8 जो वैल्यूज हैं वो x को असाइन हो जाएंगी और वो वैल्यूज आपको वर्कस्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो यू कैन सी इन द वर्कस्पेस हियर, इन द वर्कस्पेस यू कैन सी कि जो वेरिएबल है x उसको 3 to 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो वैल्यूज हैं वो असाइन हो चुकी हैं। दैट मींस x इज अ वेक्टर एंड x इज नॉट अ स्केलर, राइट। सो नाउ असाइन सेकेंड वेरिएबल y, cos ऑफ x, लेट्स से मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं cos ऑफ x एंड देन सेमीकॉलन एंड देन प्रेस एंटर। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, आप देख सकते हैं कि जो y की 6 वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ y पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि cos of 3 की जो वैल्यू है -0.9900 एंड cos of 4 की वैल्यू -0.6536 एंड सो ऑन अप टू 8। सो दीज आर 6 वैल्यूज यू कैन यूज कमांड प्लॉट देन एक्स कॉमा वाई। आपको हमेशा यूज करना है पैरेंथेसिस एंड स्मॉल ब्रैकेट, आपको यूज करना है स्मॉल ब्रैकेट और यू कैन से पैरेंथेसिस एक्स कॉमा वाई, क्योंकि आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो एक्स और वाई के बीच में प्लॉट करना है। तो यहां पर आप सीधा एंटर करें। एंटर करने के बाद यू कैन सी कि आपके पास एक ग्राफ आ चुका है, डिस्प्ले हो चुका है। यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है अभी भी, तो ये ग्राफ एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके पास x की वैल्यूज तो हैं 3 to 8, बट यहां पर जो x एक्सिस है उसका नेम असाइन नहीं हुआ है। इसी तरीके से जो y एक्सिस है, y की वैल्यूज हैं बट y का जो नाम है वो असाइन नहीं हुआ है। और जो आपका टाइटल है, जो पूरा का पूरा आपका ग्राफ है किसके बीच में हमने ड्रॉ किया है, उसका टाइटल हमारे पास नहीं है, ना ही आपके पास लेजेंड है कि जो कर्व है ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कमांड्स हैं, आपको सिंपली यूज करनी है और यूज करने के बाद आप इजीली उनको भी डिस्प्ले कर सकते हैं इसी ग्राफ के अंदर, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट, सिंपली यू हैव टू राइट एक्स लेबल। अगर आपको एक्स एक्सिस को नाम देना है, असाइन करना है, और यहां पर स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे और उसके अंदर आप यूज करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यू कैन से सिंगल कोट। यहां पर आपको लिखना है, लेट्स से मैं लिख देता हूं कैप्स में एक्स वैल्यूज और यू कैन से वैल्यूज ऑफ एक्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आप इस सिंगल कोट के अंदर आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस कि आपको कैसे डिस्प्ले करना है। एंड देन
यू कैन यूज सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसको नेम असाइन हो चुका है, और जो नाम हमने असाइन किया था वैल्यूज ऑफ एक्स, वही नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो इन द सेम मैनर यू कैन यूज वाई लेबल। अगर आपको वाई एक्सिस को नेम असाइन करना है तो आपको यूज करना है वाई लेबल, और यहां पर मैं लिख देता हूं वैल्यूज ऑफ वाई एंड देन प्रेस एंटर। नाउ चेक योर ग्राफ, यू कैन सी कि आपका जो वाई एक्सिस है उसका भी नाम असाइन हो चुका है। सो दिस इज वेरी इजी। नाउ लेट्स से यू कैन असाइन अ टाइटल लाइक graph between values of x and y and then press enter. Now check your graph. So you can see your title is there. Now just to make this graph easy to observe, and if you want to locate the coordinates in a very easy manner, so you can use a simple command grid space on and press enter. So basically is grid on ko use karne ke baad jo grid hai wo on ho jayegi, that means this will turn this graph into small blocks of squares and you can easily locate the coordinates. Now we have one more command, legend, or you can write line graph and then press enter. Now what will happen, you can observe your graph. You can see here a block is added. Now let's say for example if you have two or three graphs, then to differentiate all of them you can use this command legend. Okay, if you have sine curve then you can use sine graph or something like that. Okay, now the last command for this video is axis. When you want to define the range of the x axis and y axis, then you can use this command axis. Okay, for example we have these values for x-axis, we have 3 to 8, and for the y -1 to 1. जैसा कि आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास x-axis के लिए 3 to 8 values अभी फिलहाल है और y-axis के लिए आपके पास है -1 to 1. तो simply मैंने क्या किया है, भी एक small change किया है. Simply आपको ये जो command है as it is use करनी है, axis लिखना है और फिर parenthesis open करना है, then स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, और मैंने लिखा है 1 to 10. तो इस 1 to 10 का मतलब है कि मैंने जो x एक्सिस है उसकी रेंज डिफाइन की है 1 से लेके 10 तक. पहले कितनी थी 3 to 8, तो अभी मैंने कितना कर दिया है 1 to 10. इसी तरीके से y के लिए अभी फिलहाल है -1 से लेके 1 तक, तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया -2 से 2 तक. तो इन सभी रेंज के अंदर आपको एक स्पेस देना है बस, और कुछ नहीं करना, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन सिंपली प्रेस एंटर. नाउ चेक योर ग्राफ. आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर कि जो वैल्यूज हमने यहां पे असाइन की है, जो रेंज हमने डिफाइन की है 1 टू 10 एक्स एक्सिस के लिए, तो आपके पास एक्स एक्सिस की जो रेंज है 1 टू 10 आ चुकी है, और वाई एक्सिस के लिए -2 से लेके 2 तक. तो आपका ग्राफ जो है थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आप एक्सिस को कैसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू कि जिस तरीके से मैंने प्लॉट कमांड को यूज किया है विदाउट सेमीकोलन, अगर मैं सेमीकोलन यूज करता हूं तो क्या जो ग्राफ है वो आपका डिस्प्ले होगा या नहीं होगा? तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है यस और नो कि वो डिस्प्ले होगा या नहीं होगा. सो दिस इज योर टास्क.
So try to solve it yourself.